दोस्तों, कॉमेडियन केतन सिंह ने फिल्म मेकर करण जौहर से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा करण की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। दरअसल केतन ने एक नए कॉमेडी शो मैडनेस मचाएंगे के प्रोमो में करण का मजाक उड़ाया, जिसके बाद करण भड़क गए थे और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। करण ने केतन के एक मिमिक्री एक्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते हुए एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा था कि मैं माँ के साथ टीवी देख रहा था, उसी दौरान मैंने एक बड़े टीवी चैनल रियलिटी कॉमेडी शो का प्रोमो देखा। एक कॉमेडियन खराब तरीके से मुझे मिमिक कर रहा था। मैं ये ट्रोल से एक्सपेक्ट करता था, जो कि ऐसे लोग होते हैं जिनका ना कोई नाम होता है ना ही कोई चेहरा होता है, लेकिन जब 25 साल तक टिके रहने के बावजूद आपको इंडस्ट्री के लोग ही आपका अपमान करें तो ये बहुत बुरी बात है। इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बल्कि बेहद दुख हो रहा है। करण जौहर का रिएक्शन सामने आने के बाद कॉमेडियन केतन सिंह ने उनसे माफी मांग ली है। उन्होंने टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं करण जौहर सर से माफी मांगता हूँ, मैं उनके काम का कायल हूँ, चाहे कॉफी विद करण हो या उनकी पिछली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि मैंने 5 से 6 बार देखी है। मुझे उनकी फिल्में और शोज बेहद पसंद है। अगर उन्हें मेरी किसी भी बात से दुख हुआ है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने का था, और मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा कर गया तो मैं उनसे सॉरी कहता हूँ।